तो फाइनली भाई नमस्कार। तो फाइनली अभी टाइम मिला मुझे भाई वीडियो बनाने का। आज निकला था मैं कुछ 12 बजे, डिवाइस ऑनलाइन किया था और वैसे 12 बजे ही मुझे बुकिंग लग गई थी। तो आज जो तारीख थी वो 10 दिसंबर की रात थी, 11 दिसंबर हो चुका है। तो दनादन मैंने कुछ 6 बुकिंग कर दिया और 6 बुकिंग के बाद अब मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से बुकिंग हुआ। तो जो बुकिंग हुआ मेरा 6 बुकिंग, आपको डिटेल देता हूँ कैसे आज 6 बुकिंग हुआ। और आज आराम आराम नहीं किया हूँ, सोया वोया नहीं हूँ और 6 बुकिंग धनाधन हो गया। तो पहला बुकिंग तो मेरा छोटा मोटा था, लेकिन ऐसी जगह का था जहाँ मैंने ले लिया तुरंत। जो फर्स्ट बुकिंग था वो मेरा शिवाजी नगर मानखुर से कुर्ला टर्मिनस का। यार टर्मिनस का रेंज बहुत कम कर दिए, इसीलिए लाल पीला ना करके लोग ओला करते हैं। दुनिया भर का लगेज कर दिए, 141 रुपया किराया था और मुझे कितना मिला है 114 रुपया। तो 12:03 पे बुकिंग लगा था मानकुर से, 114 रुपया मुझे मिला 7 किलोमीटर का। ठीक है, वो तो कुल्ला टर्मिनस का ले लिया क्योंकि मुझे पता था वहां तक मैं खाली चेंबूर फाटक तक जाता ही हूँ, इसलिए लेते चला। तो उसके बाद दूसरा बुकिंग वहीं से लगी गया, पैसेंजर को ड्रॉप नहीं किया, वहीं टर्मिनस से मुझे दूसरा बुकिंग लग गया। आजकल कुर्ला टर्मिनस से अच्छी बुकिंग लग रही है। कल सुबह का सर्च तो आपने देखा था ना, 25 किलोमीटर का 540 रुपये। तो अभी जो लगा है मुझे वहां से टर्मिनस से जो बुकिंग लगा मुझे, वो लोकमान तिलक टू पनवेल बिचुम्बे गांव का लगा। बहुत सोच समझ के यार मैंने बोला क्या ले लिया मैंने, सादा सिंपल था फिर भी ले लिया मैंने। 36 किलोमीटर का 440 रुपया मिला टोल के साथ, तो ठीक था, 440 रुपया टोल के साथ मिला। इस तरह से 2 बुकिंग हुआ। पनवेल गया, फिर तुरंत जस्ट ड्रॉप के पहले ही पनवेल स्टेशन से मुझे नीलजे का 1.46 लग गया भाई, 1.46। और देखा ना तो कहाँ का लगा, वो तो देखा नहीं, बस सीधा 1.6 पे देखते ही मैंने उंगली फोड़ फाड़ दिया मोबाइल को भाई, बूम बाम कर दिया। और बाद में देखा जो ओटीपी डालने के बाद, हाँ भाई नीलजे का है, तब सुकून आया, हाँ भाई इधर उधर का नहीं है, नीलजे का है। तो 25 किलोमीटर का मिला है 480 रुपया प्लस 41 रुपया अपना टोल रिफंड आ गया, जो तो कैश देना पड़ता है, पास में नहीं ऐड होता वाला टोल, याद रखना आप, ये 41 रुपीस पास में ऐड नहीं होता है, अपना तलोजा वाला जो फ्लाई ये है टोल है। तो उसके बाद 480 रुपया 25 किलोमीटर का अच्छा है भाई, बुरा नहीं है, ठीक है। पर उसके बाद भाई जब मैं पहुंचा नीलजे, तो नीलजे मैंने वेट नहीं किया, तुरंत मुझे बुकिंग लग गई और काफी अच्छा फेयर मिला। तो नीलजे से मुझे जो बुकिंग, हाँ वेट नहीं करना पड़ा, तो तुरंत बुकिंग लग गया। पहले से बुकिंग था, प्री बुकिंग था, वो पैसेंजर ने अल्टिगा भी किया हुआ था। तो कहाँ का था मालूम है, वो लोग मैराथन जा रहे थे। अब आप लोग अंदाजा मैराथन आज कहाँ पे था, तो मैराथन रेस था बसई विरार और मूल गांव नायगांव में, 25 किलोमीटर का मैराथन चल रहा है, हाफ मैराथन फुल मैराथन। तो वहां के लिए बुकिंग किया था भाई साहब ने, 58 किलोमीटर का भाई बूम बाम एकदम मिला है मुझे, 776 रुपया मिला है, अच्छी पैसा मिल गया इसका भी। तो उसके बाद वहां पहुंचा तो भाई बुकिंग की झड़ी लग गई, लेकिन थोड़ा रोड वगैरह क्लोज थे, तो एक अच्छा बुकिंग लग गया मुझे 5:36 पे। पांचवा बुकिंग लग गया मुझे मीरा भाईंदर का, मीरा भाईंदर का भी अच्छा पैसा आया, 285 रुपया आया, लेकिन टोल नहीं आया। यार टोल क्यों नहीं आया पता नहीं, अभी टोल के लिए बात करता हूँ भाई, टोल क्यों नहीं आया, ये टोल तो मिलना चाहिए था। एग्जैक्ट मीरा भाईंदर वाला टोल नहीं मिला मुझे रिफंड, ठीक है। उसके बाद मीरा भाईंदर पे नहीं, नहीं वो टोल के पहले था आई थिंक, ठीक है, इसलिए टोल नहीं मिला। जो मीरा भाईंदर से जब मैंने दूसरा बुकिंग, छठा बुकिंग लिया एयरपोर्ट T1 के लिए, उसका टोल मिल जाए, तो T1 का भी काफी अच्छा पैसा मिल गया, 22 किलोमीटर का 320 रुपया टोल के साथ, 321 रुपया मिल गया टोल के साथ। तो इस तरह से अपना 6 बुकिंग कंप्लीट हुआ। नहीं चाय पिए, तो अपना भाई 2455 रुपए का अर्निंग हो गया है 6 बुकिंग में 2400-2500 का अर्निंग हो गया, आप समझ लो क्या हिसाब से बुकिंग थी, अच्छी थी। और 7 बजे तक कंप्लीट हो गया और T2 पे आके खड़ा हूँ, और एक आध बुकिंग यहाँ से लग जाए तो बूम बाम करता हूँ भाई, T2 पे खड़ा हूँ और देखते हैं अभी बुकिंग वगैरह लगता है कि नहीं। अच्छी बुकिंग थी, और मैराथन में भाई वसई का काफी अच्छा फैसिलिटी किया हुआ था, पैसेंजर भी बैठे हुए थे मैराथन दौड़ने के लिए, तो वो भी काफी अच्छे थे। तो टाइम पास होते होते 58 किलोमीटर का पार हो गया और नींद तो झपकी आने लगी, तो लेकिन अभी मुंह वगैरह धोया पानी मार के, तो अपना नींद थोड़ा दूर हो गया है और बूम बाम तो हो गया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है अब, और भी बूम बाम करेंगे आगे के लिए। आप देखते रहना अपनी अर्निंग कहां तक पहुंचाते हैं, 2500 के आगे कहां तक पहुंचाते हैं या फिर बूम बाम करके घर भाग जाते हैं, तो देखते हैं आगे लिए देखने के लिए। बने रहना आप भाई, तब तक वीडियो को तोड़ फोड़ के आप लाइक का बटन फोल्ड डालो और फिर मैं बैठता हूँ इधर। यार T2 पे खड़ा था, ओला का टोकन आया 1.11 नागपाड़ा का,
लेकिन यार एक ही बुकिंग बजा, उसके बाद साला टोकन पीछे ढकेल दिया, लेकिन टोकन फटाफट आ गया। लेकिन उससे पहले उबर बच गया, दो उबर बजा मेरा, नॉर्मल नहीं लिया मैंने, तीसरा नवी मुंबई कहीं का बजा है 1.9 का भाई उबर ले लिया, और उबर पार्किंग में आ गया। भाई लोग पार्किंग के नज़ारे देख लो, ये अपना पार्किंग है, उबर की लाइन में हूँ मैं, और उबर का अभी नंबर, उबर का अपने को फीस नहीं देना पड़ता है, पार्किंग ओला में करना पड़ता है। तो यहाँ से देखते हैं नई मुंबई का कहाँ है, ओटीपी डालने के बाद ही पता चलेगा, पर 1.9 तो है, यानी डबल फेयर मिलेगा, तो बूम बाम होने वाला भाई लोग। तो जितना जो भी रहेगा अभी डिटेल बता दूंगा, थोड़ा इंतजार करने का फल मीठा ही होता है, सर्ज में बुकिंग मिल जाती है। अभी वही नॉर्मल सानपाड़ा का ले लिया था उबर का, तो कुछ फायदा नहीं था उस दिन की जैसा, उल्लासनगर गया था 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिला था। चलिए भाई टिकट लेता हूँ, फ्रेंड उबर का 1.9 मैंने ड्रॉप कर दिया, ये सीवुड का था, अच्छा पैसा दिया यार उबर ने, 1.9 में अच्छा ही रहता है हमेशा। तो ये जो अपने को मिला है 1. पूरी डिटेल बता दो आपको 1.9 का मतलब क्या होता है, अब सर्च का मतलब समझ जाओगे आप पीक टाइम का मतलब। तो 1 का मुझे जो मिला है 490 रुपये मिला है 33 किलोमीटर का, 400 रुपये 33 किलोमीटर का मुझे 54 मिनट लगे, और प्लस 40 रुपये टोल भी मिले। तो इस तरह से जो मेरी अर्निंग रही है वो 530 रुपये रही है, 530। तो अर्निंग ये किस हिसाब से रहा देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें से तो भाई ओला ने ही 317 रुपये काट लिया, पहले तो जान लो। कैश कलेक्टेड 847 रुपये, और फेयर 400, भाई दिखा नहीं रहा है अपने को, दिखा नहीं रहा पे आउट है वगैरह कितना क्या काटा है। कन्वेंस फीस 130 रुपये, कन्वेंस फीस वाह 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 144 रुपये ये उबर को पे हो गया। एयरपोर्ट का सर चार्ज 101 रुपया, टैक्स 172, क्या क्या है भाई ये लोग का कुछ यही लोग जाने। अपने को कुछ मिला के 530 रुपये मिल गया है, बूम बाम हो गया है। ओला वाला बराबर दिखाता है यार क्या चीज का कितना चार्ज लिया, उबर वाला नहीं दिखाता है। तो इस तरह से अपनी अर्निंग हो गई है 3000 गाइस, 3000 हो गई है, और आप उन सीवुड में आ गए हैं, और देखते हैं यहाँ से बुकिंग वगैरह मिलता है कि नहीं। आज तो छुट्टी है, बुकिंग मिलेगा नहीं, हो सके खाली घर पे जाना पड़े यहाँ से यार 15 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड, तो फाइनली पैसेंजर को मैंने सीवुड ड्रॉप करने के बाद से मुझे बेलापुर गांव से एक बुकिंग लगा था विक्रोली का, तो बेलापुर गांव से जो विक्रोली का बुकिंग लगा था उसका मुझे 355 रुपीज मिला है 26 किलोमीटर का, अच्छा था वहां पे। तो ये सातवां बुकिंग था मेरा, उसके बाद मुझे एक सर्ज में सिद्धि विनायक, श्री सिद्धि विनायक मंदिर का एक बुकिंग लगा है, जो मेरा आठवां बुकिंग था गाइस, उसका मुझे 270 रुपये मिला है, और वो टैगोर नगर विक्रोली से ही लगा है, 20 किलोमीटर का था। तो सर्ज में 1.08 था, फिर भी ठीक ठाक ही था, 270 रुपये मिले हैं, और अच्छी खासी अर्निंग हो गई आज, बूम बाम कर दे तुम्हारे भाई ने। तो आज जो मेरी अर्निंग रही है वो 3.5 से ज्यादा ही है, कुछ 3600 रुपये के आसपास, या 3500 जो भी पकड़ चलो, पर 3.5 के ऊपर ही निकल रहा है। तो अच्छी खासी अर्निंग कर लिया मैंने आज भाई, बूम बाम कर दिया एकदम, और अभी जल्दी आज घर पे आ गया हूँ, 10:30 या 11:15 बजे लगभग मेरा ट्रिप कम्प्लीट हो गया, और श्री सिद्धि विनायक मंदिर से मैं घर पे इमटी जा रहा हूँ, 15 किलोमीटर वहां से मेरा घर है, और ऑलमोस्ट अभी मैं समझ लो पहुंच ही गया हूँ, साइन आ गया हूँ। तो आज मेहनत कैसा हुआ, आज मैंने सोया नहीं, आज मैंने अपने नींद पर काबू रखा, और जैसे नींद आ रहा है मैंने मुंह धोया, मुंह को धो लिया अच्छे से, और मेरा नींद भाग गया, तब मैंने नींद पर काबू किया, तब जाकर मेरा बुकिंग कम्प्लीट हुआ। मैंने हर बुकिंग को लिया, और आज पता नहीं क्या हो गया भाई, ओला वाला मुझे सर्ज दे रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, सर्ज बुकिंग रात में मिला है मुझे, और उबर का तो 1.9 एयरपोर्ट वाला तो क्या ही बूम बाम था। तो इस तरह से भाई अच्छी खासी अर्निंग हो गई। आप लोग भी बोलते हैं भाई आप दिन में एक दिन गाड़ी चलाओ, दिन में एक दिन गाड़ी चलाओ, तो फ्रेंड्स देखो मैं दिन में गाड़ी नहीं चला सकता, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, अगर मैं दिन में चलाऊंगा तो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पूरी तरह से बंद रखनी पड़ेगी, या तो मेरी टाइमिंग सुबह 7 से शाम के 7 तक चलाऊं तो उस टाइम पे थक के आऊंगा तो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर भी नहीं बैठ पाऊंगा, इसलिए ये मैं दिन में नहीं चला पाऊंगा, रात में ही चलाऊंगा, और अच्छी अर्निंग करके आप लोग को दिखा रहा हूँ किस तरह से बुकिंग होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आप कॉन्फिडेंस में रहो, आप निराश ना हो कि यार धंधा नहीं है, वो नहीं है, मैंने गाड़ी ले लिया, पछता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा काम है, आप घबराओ मत, कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करो, काम करो, मेहनत करो, आपको जरूर बुकिंग्स मिलेगा। आप हर बुकिंग पास करोगे तो ऐसा नहीं चलने वाला है,
आप पास मत करो, बुकिंग जो भी आ रहा उठाओ। एक छोटी बुकिंग लोगे एक बड़ी बुकिंग जरूर मिलेगी। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस वाले मेरे भाई मोरे सर ने मुझे एक बात बताई थी और मैंने फॉलो किया था, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला छोटे बुकिंग के बाद। ओला बड़ी बुकिंग देता ही देता है, इसलिए छोटा लोकल बुकिंग कभी भी एक्सेप्ट कर लिया करो। आपको वहां से बड़ी बुकिंग नहीं तो फिर से लोकल बुकिंग कर लिया करो, आपकी इनकम बढ़ती ही रहेगी। तो जस्ट यही कहना चाहता था। और चलिए भाई बूम बाम हो गया, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक बटन को फोड़ना मत यार। आप लोग तोड़ फोड़ दोगे तो दोबारा लाइक कैसे करोगे दूसरे वीडियो को, तो इसलिए खाली आराम से लाइक कर देना। जय हिंद।